दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि काइन मास्टर का उपयोग अपन कैसे करते हैं, इसका पूरी जानकारी बता दूंगा। तो काइन मास्टर की एक ऐप होता है, इसको हम कहां से लोड करते हैं, प्ले स्टोर से। तो काइन मास्टर यदि आप ख़रीदना भी चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन नहीं ख़रीदते हैं तो फ्री वाला भी लोड करके आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें वीडियो बना सकते हैं। तो इसका एक तो अभी नया अपडेट सॉफ्टवेयर आ गया है जो ये है। अब इसके पहले जो है एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा इंटरफेस आएगा काइन मास्टर, जैसे खोलेंगे तो एक समय न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। आपको किस साइज में बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो यहाँ दिया हुआ है। यदि हम यूट्यूब के लिए बना रहे होते हैं तो 16.9 में बनाएंगे, तो उसमें ऑलरेडी से सेलेक्ट है। यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट का नाम पहले से लिख सकते हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं, कि ये काइन मास्टर कैसे यूज करते हैं। ये आ गया, हमने इसको बना लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडवांस दिया है तो एडवांस में देख लेते हैं। एडवांस में फिट है कि फिल है कि ऑटो है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ अपन कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्रिएट में। क्रिएट में जैसे हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्रिएट में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से हम बैक कर देंगे, बैक करने के बाद इसमें सेंटर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर ये कैमरा के लिए है और ये वीडियो के लिए है। तो वीडियो में जैसे हम क्लिक करते हैं, तो वीडियो में जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसा जो है वीडियो आ जाता है। तो हम कहीं का भी वीडियो बना सकते हैं, या हम इस तरह से बाहर का भी वीडियो बना सकते हैं कि बाहर हमारा कैसा ये है। जैसे ये टावर है, BSNL का टावर आपको दिख रहा होगा, तो ये BSNL के टावर जो है वो हमको दिखाई दे रहा है, तो हमारा वीडियो इसमें बन रहा है। क्या हो रहा है, वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने के बाद आप इसको यहाँ से ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब रोड में भी दिखाई दे रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से उंगली के द्वारा, दो उंगली से ये बड़ा छोटा दिख रहा है कि आप बड़े छोटे कैसे करते हो। तो उस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको ये करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इसको क्या करना है दोस्तों, इसमें आवाज़ के लिए हम जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फुल करेंगे तो आवाज़ हमारा सही आएगा। इसके बाद अगला, हम वीडियो को अपलोड करने के पहले की सेटिंग बता रहा हूँ आपको। लाइट कम ज़्यादा हम इससे कर सकते हैं, इससे ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा के लिए होता है। तो ये यदि नहीं बढ़ाना है, सही है तो वैसे रहने देंगे। ये वॉल्यूम के लिए है कि वॉल्यूम अपन यहाँ फुल कर दिए, वॉल्यूम यहाँ भी हमने फुल कर दिया है। अब रिवर्ब में क्या होता है कि आवाज़ आपको कैसा करना है उसके लिए, तो हम कंटेंट हाल में कर देंगे। इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको, अब हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जो है इसको हम प्ले करेंगे यहाँ से। जैसे BSNL का टावर आपको दिख रहा होगा, प्ले कर देंगे तो ये आवाज़ बढ़ जाएगी। टावर जो है वो हमको दिखाई दे रहा है, तो हमारा वीडियो इसमें बन रहा है। क्या हो रहा है, वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने के बाद आप इसको यहाँ से ये रेड कलर का जो दिख रहा है, तो ये हमने आपको ये बताया। अब ये सब बन गया, सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को शॉर्ट करना है आपको। यहाँ से आप वो भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं,
थंबनेल, थंबनेल भी बनाने के लिए यहाँ से आप बना सकते हैं, फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। अब ये ऊपर जो एरो दिया है यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि FHD 1080 पिक्सल और 30 पिक्सल में सेव ए वीडियो, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लो और हाई, ऐसे वीडियो सेव ऐसे वीडियो। अब ये वीडियो क्या होगा, शार्ट में सेव हो रहा है। जब ये शार्ट में सेव हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो आपको काइंड मास्टर में वीडियो बनाना और इसको अपलोड कैसे करना है यूट्यूब में, यहाँ तक का पूरा प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं या नए वीडियो आप मेरे से पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यही हमारा जो है आपसे निवेदन रहता है। तो अभी ये सेविंग हो रहा है, सेविंग होने के बाद हम यहाँ से सीधे क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अपलोड करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका वीडियो जो है कोई भी देखेगा तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसका मतलब ये होता है। और अपने अलग अलग तरीके से भी लोग वीडियो बनाते हैं, कई डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। तो ये है दोस्तों, ये सेव हो चुका है। इस इधर हम क्या करेंगे, ये इसमें क्लिक करेंगे, इसमें करने के बाद व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप में क्लिक करने के बाद ये ऐसा आएगा, ये डिटेल में आएगा, ये बताएगा कि किस एड्रेस में सेव हो रहा है, इसको अनलिस्टेड रहने दें। अब यहाँ लिख देंगे हम क्या, काइन मास्टर का यूज कैसे करते हैं। तो ये आ गया आपके टाइटल में आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे, इधर नो कर देंगे, इसका अपलोड वीडियो कर देंगे और ये वीडियो हमारा क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। तो और अपलोड होने के बाद आपको सेटिंग करना है, चाहे तो थंबनेल भी बना करके डाल सकते हैं। और ये करने के बाद आपका क्या होगा, वीडियो बन जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है वीडियो बनाने के लिए। ये 100% आ गया दोस्तों। अब ये अपना क्या हो गया, ओके हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अब वीडियो बन चुका है, अपलोड।